नमस्कार, मैं बापी मिस्त्री वेस्ट बंगाल से। आज मेरे साथ प्रेटली टॉक में जुड़ा हुआ है पश्चिम बंगाल का एक समाज सेवी वासुदेव चंद्र महाशय जी। उनको प्रेटली टॉक में स्वागत है। उनका उम्र अभी 72 साल है। मैं कुछ दो चार सवाल उनसे पूछना चाहूँगा। आज आपको प्रेटली टॉक में स्वागत है वासुदेव जी। पश्चिम बंगाल का वर्तमान जो सामाजिक स्थिति है, क्या ठीक है? आपको क्या लगता है? एकदम ठीक नहीं लगता है, क्योंकि ये जो इधर का जो इकोनॉमिक कंडीशन है, आदमी का जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आदमी का जो गणतंत्र है, इधर का जो एडुकेशन पॉलिसी है, कुछ ठीक नहीं है। इसलिए बंगाल का जो हालत है दिन के दिन नाजुक हो रहे हैं। तो हम सब ये जो वेस्ट बंगाल का रेस्पॉन्सिबल नागरिक है, वो आज जो वेस्ट बंगाल का जो पोजीशन है वो देख के बहुत शर्मिंदा है। बहुत हम सब थ्रेट में है, क्योंकि वो वेस्ट बंगाल का जो जो ये परिसंख्यन है, ये जो जनगोष्ठी का जो डेमोग्राफी है, वो अभी बदल रहा है। वो अगले दिन में ये जो अभी का जो स्थिति है वो भी नहीं रहेगा। इसलिए हम सब जो समाजकर्मी है वो सब बहुत ये डर में है। किस लिए डर है आपको? क्या क्या दिक्कत आ रहा है पश्चिम बंगाल में? एक तो यहाँ का जो जो ये राजनैतिक पॉलिटिकल जो परिस्थिति है वो बहुत नाजुक है, बहुत भयानक है, क्योंकि नागरिक वो जो आपन से उसका मत दे सकता नहीं है, उसका जो मत है वो प्रकाश कर नहीं सकता है, क्योंकि वो इधर का जो TMC वो जबरदस्ती करके वो अपना जो मत वो हासिल कर जाते हैं। इसलिए पब्लिक बहुत डर में है। तो अभी अभी जो पंचायत निर्वाचन हुआ हुआ है, उसमें हम लोग देखा है ये कोई राजनीतिक अदर देन TMC कोई अपना प्रचार नहीं कर सकता है। अपना जो समर्थक है उसका जो मिचिल मीटिंग वो कुछ नहीं कर सकता है। ये एक परिस्थिति है। और इधर का जो शिक्षा का जो हालत है वो बहुत नाजुक है, क्योंकि जो शिक्षक है, जो रिस्पॉन्सिबल एवं एडुकेटेड शिक्षक है, वो आज स्कूल में नहीं है। जो घूस दे सकता है वो आज उसका स्टैंडर्ड साफ स्टैंडर्ड होने से भी वो आज स्कूल में वो ये मास्टर हुआ है। इसलिए जो स्टूडेंट का जो परिस्थिति है वो भी ठीक नहीं है। इसलिए हम बहुत डर में हैं ये अगले दिन में बंगाल का जो स्थिति है वो बहुत नाजुक हो जाएगा। आपका कहने का मतलब है जो पंचायत चुनाव में हमने हिंसा देखी थी, आम जनता जो है, आपका आम जनता अपनी जो मतदान ठीक से नहीं दे पाया है, और जो असली शिक्षक है वो अभी धरने पे है कलकत्ता के रास्ते पे, जो स्कूल में पढ़ा रहा है वो घूस दे के नौकरी ज्वाइन किए है। एकदम सच बात है। जो अपन मौत है वो आज प्रकाश कर नहीं सकता है। ये तो राजनीतिक स्थिति में यही है। पब्लिक आज उनका जो मन में है, उनका जो भावना है वो व्यक्त नहीं कर सकता है, क्योंकि डर है, TMC का डर है। इसलिए कोई CPM, कांग्रेस और BJP कोई का सपोर्टर उसका जो भावना है वो व्यक्त नहीं कर सकता है। अभी तो उससे भी नाजुक का एक स्थिति तैयार हो गया है। ऑल इंडिया में INDIA
तैयार हो गया है, उसमें ये सब टीएमसी जो मार जो सीपीएम का कांग्रेस का जो कर्मी को मार दिया उसके साथ उस दल का गठबंधन है, इसलिए नीचू तला का जो आदमी है वो बहुत डर में है जी क्या करेंगे। हाँ, तो इसलिए वो जो पॉलिटिकल जो सिचुएशन वो भी नाजुक है और जो एडुकेशन का है जो स्थिति है वो भी नाजुक है। जो जो काबिल शिक्षक है वो आज स्कूल के बाहर में है और जो घूस दे के नौकरी मिला है शिक्षक ये हुआ है वो आज क्या शिक्षा देगा, क्या मानुष तैयार करेगा। क्योंकि एक समय हमारा बंगाल में जो चिराचरित जो ऐतिह्य था ये बंगाल से रविंद्रनाथ नजरुल और बंकिम चंद्र श्री अरविंद ये सब इधर का जो जन्म हुआ है उसका जो आदर्श है उसका आदर्श लेके हम सब इधर का जो नागरिक उचलता था। आज ये 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 अगस्त महीना है, अगस्त महीना में 2 अगस्त जन्म हुआ है प्रफुल्ल चंद्र राय का विज्ञानी, उसका स्मरण नहीं है, कोई जनता नहीं है ये प्रफुल्ल चंद्र राय इतना बड़ा विज्ञानी इतना बड़ा साइंटिस्ट था हमारा वेस्ट बंगाल में जो सारा विश्व में नाम कमाया बहुत आविष्कार किया उस जमाने में। तो आज कोई कोई स्टूडेंट नहीं जानता है ये प्रफुल्ल चंद्र राय कौन है। ये महीना में ये 15 अगस्त में ये जो 15 अगस्त आ रहा है 15 अगस्त में श्री अरविंद का जन्म हुआ था। तो ये श्री अरविंद को उस जमाने में अखंड भारत भारत एक रहेगा ऐसा सपना हुआ करता था, वही भारत आज खंडित हुआ। और अभी जो स्थिति है अभी जो बंगाल में और सारा भारत में जो स्थिति है इसके बाद भी वो एक एक चक्रांत है ये जो एक भारत में और बटेगा और बटेगा और टुकड़ करेगा। अनुप्रवेशकारी जो है अनुप्रवेशकारी दिखा जा रहा है। 2011 का जो सेंसस हुआ था जनगणना हुआ था उसके बाद से ही लगातार संख्या बढ़ती जा रही है वेस्ट बंगाल में। तो सबसे बड़ी मुद्दे की बात है सबसे बड़ी चिंता की बात है अनुप्रवेशकारी जो पश्चिम बंगाल में बहुत ज्यादा घुसपैठी घुस रहा है, इसके बारे में आपका क्या कहना है, कौन मदद कर रहा है उनको? ये बहुत चिंता की बात है। जो एक समय ये पश्चिम बंग ये हुआ है ये श्यामा प्रसाद ये मुस्लिम लीग के जो यह प्रचेष्टा था जे सारे बंगाल पाकिस्तान में ले जाएगा। तो उसी समय जमाने में श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुक के ये पश्चिम बंगाल तैयार किया हिंदू बंगाली के लिए। अभी यह पैन इस्लामिक जो चक्रांत है उसी का आधार में ये अनुप्रवेश हो रहा है। और इधर से ये जो पॉलिटिकल दल है उसको मदद करता है अपने के स्वार्थ के लिए। क्या ममता जी एक समय जो अनुप्रवेश का विरोध में संसद में विरोध किया था जो सीपीएम ये अनुप्रवेश करी को यूज करता है वोट बैंक के लिए वही ममता भाई। दुर्भाग्य की बात तो यही है वही ममता बनर्जी आज ये अनुप्रवेश के लिए मदद कर रहा है। इसलिए हम लोग देखा है जो सीए के लिए जो विरोध हुआ था वो यही जो मदद किया रेल
और बास और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए जे ये सब दंगा किया। ये दंगा हमें जो वेस्ट बंगाल में और जो हमने जो जो, जो खाकरागर ब्लास्ट देखा, ये सब अंदर अंदर तैयार हो रहा है। क्या पश्चिम बंगाल को तोड़ने की साजिश चल रही है अंदर से? अंदर से एकदम ठीक, एकदम ठीक। जो अगले दिन में ये नॉट ओनली इन पश्चिम बंगाल, ऑल ओवर इंडिया में ये एक साजिश है। और वेस्ट बंगाल में ये जो पॉलिटिकल दल है अदर देन बीजेपी, ये ऑल इसको मदद कर रहा है अदर देन बीजेपी। आपका कहना है जो कम्युनिस्ट है, ISF है और TMC है, ये सब मिले हुए हैं इस काम में? ये सब वो जो ए, 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 एक एक समय इसका जो इधर का जो कम्युनिस्ट दल था नारा दिया था ना इंडिपेंडेंट के पहले, जो पहले पहले पाकिस्तान करना होगा उसी के बाद इंडिपेंडेंस मिलेगा रहेगा। तो इसीलिए कम्युनिस्ट पार्टी, वही कम्युनिस्ट पार्टी के साथ आज ISF है। ISF कौन है? ISF वही एक मुस्लिम संगठन है। वो ऑल जो दो चार एडुकेटेड मुस्लिम वो इंडिया का ये सोच रहा है, अदर देन वो ऑल आर ये देखता है। देखा जा रहा है जो कम्युनिस्ट है वेस्ट बंगाल में, TMC, ISF, सब कांग्रेस सब मिलके जोट कर रहा है, जो है सेंट्रल में इंडिया गठित किए हैं। तो बंगाल में एक के विरुद्ध एक लड़ाई करते थे, अभी जो चुनाव है लोकसभा चुनाव होने वाली है 2026 का, देखा जा रहा है पूरा जो है एक साथ जोट हुआ है। तो कैसे देखते हैं आप इसको? ये एक अच्छा हुआ कि ऑल जो प्रैक्टिकली भारत के जो असली विचार है, भारत के जो मूलभूत भावना है, ये जो ऑल पार्टीज वो भावना से दूर है, ये सब एक मंच में आ गया। पब्लिक सोचेगा, पब्लिक देखता है जे ये जो भारत का जो भावना के जो संस्कृति है, कृष्टि है, उसका विरोधी ये सब दल है। इसलिए हम जो सोचता है कि पब्लिक ये समझ जाएगा, और जो राष्ट्रभक्तों जो लोग है उसको चुनेगा, और 24 को इलेक्शन में राष्ट्रभक्तों को जो दल है, जो लोग राष्ट्र भक्तों है उसी को चुनेगा। ये जो मिली जुली जो INDIA का आप इंडिया बोल रहा है, हम इंडिया नहीं बोलता है, हम बोलता है INDIA, ये आपत जो लाभ देखता है आखिर में उसी का ये होगा, क्षति लॉस होगा, क्योंकि भारत का जो आदमी है इतना बुर्बक नहीं है। क्या लगता है आपको पश्चिम बंगाल का जो अभी मौजूदा जो हालत चल रहा है, इससे उभरने के लिए क्या करना चाहिए? आप तो समझ से भी है, क्या वार्ता देना चाहते हैं आप साधारण आदमी के लिए? हम सारे वेस्ट बंगाल के आदमी को, नागरिक को बोलने को चाहता है, जो ये समझिए जो कौन भारत के उन्नति के लिए, वेस्ट बंगाल के उन्नति के लिए कौन को किसको चुनना है, किसको पसंद करना है, किसको आगे बढ़ाना है, ये समझ के आप सब जो स्थिति देख रहा है, चूरी लूट मरी, गणतंत्र के ऊपर प्रहार, पुलिस प्रशासन के कब्जा करना, ये सब देख के आपको सही लोग को, राष्ट्रभक्तों को आपको आगे बढ़ाना है। ये हम वेस्ट बंगाल के नागरिक को ये संदेश देते दिन चाह रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद थ्री टी टॉक में आने के लिए बासु चंद्र जी को। आज
फिर टिकटॉक या कोई खत्म करते हैं। नमस्कार।